नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं परमला रानी जी, जिनका चौथे स्टेज का कैंसर ठीक हुआ। कैसे इनका कैंसर ठीक हुआ इनसे जानते हैं, इनसे करते हैं सीधी बातचीत। परमला रानी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। परमला रानी जी, आपको कब हुआ था कैंसर, कब कैंसर की शिकायत कब हुई थी आपको सबसे पहले? सबको 5 साल हो गए बेटा। 5 साल पहले आपको हुआ था? हाँ जी, सानू नाम लेनू तो हो गए होंगे 25-30 साल हो गए बेटा। अच्छा, जब आपको कैंसर का पता चला? पता चला बेटा, फिर सानू सारे डॉक्टरों ने जवाब दिता सी, सारे शरीर च फैल गया सी। सानू ऐ कहा सी भी इहदा इलाज कोई नहीं गा, इन्हां नू कहता सी पैसा बहुत लगू भी सोडा इलाज कोई नहीं गा। फिर सानू असी आपदे गुरु जी नू मिले, गुरु जी नू मिल के फिर उन्होंने सानू प्रसाद दिता। प्रसाद दे के फिर सानू राय दिती भी बेटा तुसी अपने डॉक्टरों राय लो तुसी। फिर डॉक्टरों की राय लेके फिर डॉक्टरों ने भी तुसी बेटा भी तुसी आपदा, असी तो भी कुछ नहीं कह नहीं सकते भी जे पिता जी कहिंदे आ असी उस समय दे नाल असी कर सकते हूँ, असी करते नहीं भी ये इलाज होने वाला है ही नहीं गा। तो ये असी आख्या भी चल कोई गल नहीं, पिता जी ने सानू वचन करे है भी तुसी उवें जेकर साडा पेमेंट शुरू करो। फिर साडा शुरू करे, फिर ऑपरेशन होया। ऑपरेशन हो के हुण मैं अज बेटा मैं उसकी बर्तना की सेवा च अपने डेरे सच्चे सौदे उस शाही कंटीन च उत्थे मैं सेवा ते जानी हाँ। हाँ हुण महीना ला के आई हूँ। बिल्कुल, अब इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब कोई कैंसर के आपको ना ना कोई तकलीफ नहीं? आपके पास रिपोर्ट भी है पूरी? हाँ रिपोर्ट पूरी है, सारिया रिपोर्टा है साढ़े को भी बेटा। इस तरीके से कैसे हुआ, मतलब पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, आपने जब आपको बीमारी वाला प्रसाद गुरुजी ने दिया उसके बदले में कुछ उन्होंने आपसे पैसा भी लिया कुछ इस तरीके का? ना ना कुछ नहीं, सातों की लेना सी पिताजी ने तो वचन करे सी, सातों लेना देना तो की सी, पिताजी तो देंदे अपन। तो क्या बताना चाहोगे आप ऐसे गुरु के लिए, समाज को क्या बताना चाहोगे? गुरु के लिए मुझे आए कहने भी आप भुले भलके लोग ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਥਾਵੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ, ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਕੇ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜ ਕੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਵਾਈਏ, ਸੱਚੀ ਰਾਇ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਬੇਟਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕੇ ਉੱਪਰ? ਨਾ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ ਕੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਜ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਐਂ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਵੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। क्या आप कहना चाहोगे सरकार से, क्या मांग करना चाहोगे गुरु जी के लिए? सरकार के तो बेटा आप आए हैं भी सरकार गलत दूषण लाई जाती है पिता जी दी, ये तो आप की रोक सकते हैं इन्हों? तुसी आरोप की मांग की करोगे सरकार तो? मांग तो आप करेंगे भी साढ़े गुरु जी ने तुसी आपदे सच्चे सुचे साढ़े गुरु है तुसी साढ़े आपदे सानू भेजो असी आपदा गुणगान गाइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपको सीधी बातचीत दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का चौथे स्टेज का कैंसर तक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा ने काटा है। लगातार आपके सामने लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, आप अज गुणगान गाने सेवा ते जाने
ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੀਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਦ ਫੈਕਟ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।